मंदसौर जिले के पीपलिया पंजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत महू नीमच रोड हाईवे पर मुखबिर से सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश देते हुए कंटेनर को रोका गया। कंटेनर की तलाशी लेने पर कंटेनर के अंदर अंग्रेजी शराब से भरा अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा मिला। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों द्वारा मोटर पार्ट्स की बिल्टी बताई। जांच करने पर ट्रक के अंदर से 962 पेटी अंग्रेजी शराब जिनकी कीमत 1,03,66,200 रुपए के करीब बताई गई। वहीं कंटेनर 30 लाख के करीब का बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा कंटेनर में से दो आरोपी हीरालाल चौधरी बिंजासर जिला बाड़मेर राजस्थान एवं दूसरा आरोपी जेठाराम जाट निवासी जाटों की बस्ती गुराडिया राजस्थान को रोककर पूछने पर उनके द्वारा लुधियाना से मुंबई अवैध रूप से परिवहन करना पाया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं दोनों आरोपियों से कंटेनर को लेकर पूछताछ जारी है। कल शाम को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि मऊ नीमच रोड पर नीमच की तरफ से एक कंटेनर में अवैध शराब का परिवहन होना है। उसी संबंध में पिपलिया मंडी थाने के आगे नाकाबंदी चेकिंग लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान जब राजस्थान पासिंग के इस कंटेनर को इंटरसेप्ट किया गया तो जब जो इसके ड्राइवर और क्लीनर थे इनसे पूछताछ की गई तो थोड़ा संदिग्ध आचरण का प्रतीत हुआ। जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें करीब 962 पेटी इंग्लिश विस्की की मिली हैं और जिनकी टोटल क्वांटिटी 8623 लीटर है और मार्केट वैल्यू करीब 1 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें जब इनसे और पूछताछ की गई तो इनके द्वारा एक बिल्टी दिखाई गई थी जो कि ऑटो पार्ट्स की बिल्टी थी जिसमें कि लुधियाना से बॉम्बे जाने का बिल्टी था। वो पूरा उसकी भी अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। इनके द्वारा जब पूछताछ में ये बताया गया कि ये शराब जो है इनको लुधियाना से भरवाई गई है और संभावित इनका गुजरात में इनका उतारना था जिसके बारे में अभी और तस्दीक विवेचना जारी है। सर कीमत क्या होगी? टोटल मार्केट वैल्यू जो शराब है उसकी है 1 करोड़ से ज्यादा है और जो ट्रक है उसकी करीब 30 लाख। सर आरोपियों ने क्या और भी जिस तरह से तस्करी करते थे कोई नई स्कीम या कुछ नया प्रयोग बताया है क्या? देखिए इसमें तो इन्होंने मेन जो चेकिंग से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने बिल्टी ही ऑटो पार्ट्स की बनाई और पीछे जो कंटेनर जो था उसका पूरा सील इस तरीके से किया था कि नॉर्मली कोई भी चेकिंग पॉइंट पर उसको खोला नहीं जाएगा अनटिलनेस इन्फॉर्मेशन कंफर्म ना हो। तो ऐसी कोई स्कीम नहीं बनाई बट उन्होंने ये जो फ्रॉड किया है बिल्टी बनाकर गुमराह करने का वही इनका एक था बचाव के लिए इससे कि चेकिंग पॉइंट से निकलते थे। सर कहाँ ले जा रहे थे कुछ इस तरह की जानकारी मिल पाई है? अभी जितनी पूछताछ हुई है उसमें ये पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि पंजाब से इसका लोडिंग हुआ है। क्या स्पेसिफिक स्थान था उसका भी तस्दीक जारी है। उसमें टीम रवाना कर दी गई है। अभी टेक्निकली डेटा कलेक्ट करेंगे और इनके जो अन्य साथीदारान है उनको भी पकड़ धरपकड़ होगी तो उसके बाद ये क्लियर होगा एक्चुअल इनका एंड पॉइंट कहाँ पे था, कहाँ पे ड्रॉप करने वाले थे। इसमें अभी तक दो आरोपी हमारे हिरासत में, दोनों ही बाड़मेर के हैं। इसमें एक ट्रक मालिक भी है। सर अभी तक की जांच में मालूम पड़ा है कि सर अभी तक कुछ ये लंबे समय से काम कर रहे थे कि पहली बार आ रहा है इन्होंने? अभी इस संबंध में कोई भी हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। भविष्य में विवेचना में और चीज निकलते हैं।